हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमको पढ़ना है कर्मों का वर्गीकरण। तो आधुनिक दृष्टि से शरीर के विभिन्न संस्थानों एवं अंगों पर होने वाले कर्मों का वर्गीकरण निम्नांकित रूप में किया जा सकता है। पहला, नाड़ी संस्थान के कर्म जो हैं, पहला है मेद, दूसरा है मदकारी, तीसरा है संघ स्थापन, चौथा है निंद्रा जनन, पाँचवा है निंद्राहर, छठा है वेदना स्थापन, सातवां है आक्षेप जनन और आठवां है आक्षेप समन। ठीक है, इसकी डिटेलिंग जो है वो अभी पीछे दी जाएगी। और दूसरा है इंद्रिय अधिष्ठानों के कर्म। नेत्र पे जो है, पहला चक्षुष, दूसरा दृष्टि विकासी, तीसरा दृष्टि संकोची, कर्ण पे कर्ण, नासा पे शिरोविरेचन, त्वचा पे स्वेदन, स्वेदोपग, स्वेद अपनयन, रोमस अंजनन, रोम सातन, केश, केश में भी आता है का केश वर्धन, खा केश रंजन। ठीक है, सातवां प्रतिक्षोभक, इसमें का है रक्त उत्क्लेशक, खा है स्फोट जनन आरुष्कर, गा है क्षारण, आठवां व्रणहर, व्रणहर में पहला है पाचन, दूसरा है दारण, तीसरा है प्रापीड़न, चौथा है शोधन, पांचवा है रोपण। ठीक है, नौवां स्नेहन, दसवां स्नोहपग, ग्यारहवां रूक्षण, बारहवां वर्ण, तेरहवां कंडुग्न, चौदहवां कुष्ठग्न, पंद्रहवां उदर्द प्रशमन, सोलहवां है पूर्तिहर, सत्रहवां है रक्षोग्न और अठारह है दुर्गंधहर। तो ये है इंद्रिय अधिष्ठानों के कर्म। अब तीसरा है रक्त व संस्थान के कर्म। तो पहला है हृदय, दूसरा है हृदय उत्तेजक, तीसरा है हृदय अवसादक, चौथा है रक्त भार वर्धक, पांचवा है रक्त भार शामक। ठीक है, यह है रक्त व संस्थान के कर्म। चौथा देखते हैं यहाँ पे रस व संस्थान के कर्म जो है, पहला है शोथहर, दूसरा है शोथ जनन, तीसरा है गंड माला नाशक, यह है रस व संस्थान के कर्म। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे श्वसन संस्थान के कर्म। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।